हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपके लिए लाया हूँ Realme U1 का अनबॉक्सिंग जो मैंने तो इसके बारे में पूरा ओवरव्यू और इसका स्पेसिफिकेशन आपको बताने जा रहा हूँ आज। सो लेट्स स्टार्ट। तो जैसे कि आप ये सब देख रहे हैं, Realme U1 का बॉक्स ये रहा है। यहाँ पे जो मैंने Amazon से ऑर्डर किया था, जो सिर्फ और सिर्फ आपको ऑनलाइन ही मिलेगा। तो ये आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का ग्रे और येलो कलर का बॉक्स है। तो यहाँ पे पीछे उसका लेबल लगा है, साइड में Realme U1 की और साइड में यहाँ पे आप देख सकते हैं MRP वो सब भी लिखा आ रहा है यहाँ पे। तो इसका मॉडल नंबर कितना है, ऑक्टा कोर प्रोसेसर, 3 GB रैम, और ये 3 GB रैम और 64 और 8 GB वेरियंट है। तो चलिए इसे अब बिना समय गवाए हम इसे फटाफट अब ओपन करते हैं। तो अगर आपको भी ये मोबाइल ख़रीदना है तो मैंने नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहाँ से जाके ख़रीद सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये हम खोलने जा रहे हैं अब बॉक्स को। तो ये Realme का अनबॉक्सिंग। तो यहाँ पे आप देख Realme जो लिखा है येलो कलर में है, और यहाँ पर कुछ अंदर क्या है वो हम दिखा देते हैं आपको। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे सिम लेख है यहाँ पे, और फिर साथ में केस और कुछ मैनुअल है। तो ये आपका केस है, ये बिल्कुल बहुत ही हार्ड केस है, बिल्कुल ये आपको प्लास्टिक का जो मोबाइल्स में मिलता है ऐसा नहीं। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे मैनुअल, और अब हम साइड में। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं ये रहा मोबाइल Realme U1। तो इसे अब हम निकाल के पहले तो खाते थी। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे देख सकते हैं ब्लू कलर का ये है, इसे हम इसे Realme कहता है ब्रेव, इसे हम इसे भी हम साइड में देते हैं। और यहाँ पे कुछ जो लिखा है वो आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं क्या लिखा है। और चलिए इसे भी हम साइड में रख देते हैं। ये रहा उसका चार्जर एडेप्टर। तो ये 5 वोल्ट और 2 एम्पीयर का चार्जर। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ, जी हाँ, USB केबल। तो इसका जो USB केबल है वो नॉर्मल सा माइक्रो USB केबल है और USB है। ये मोबाइल खरीदना है तो मैं अच्छे लिंक डिस्क्रिप्शन दी है, और वीडियोस Realme अपडेट कल से आप देख सकते हैं। तो चलिए अब मोबाइल दिखा देते हैं, और इसे अब हम बॉक्स को साइड में रख देते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, इसे अब हम इसका जो प्लास्टिक है ऊपर का वो निकाल देते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का ये शाइनी मटेरियल मोबाइल है। तो ये आप देखते हैं यहाँ ब्लू है, यहाँ पे फिंगरप्रिंट जल्दी लग जाएगा क्योंकि ये इसका बैग जो है प्लास्टिक का बैग है, लेकिन इसका थोड़ा इसलिए बहुत ही अच्छा लगता है और शाइनी लगता है। इस साइड में देख सकते हैं आप वॉल्यूम रॉकर, 3.5 mm का जैक और माइक्रो USB की स्पेस है। यहाँ वॉल्यूम रॉकर साइड में देख सकते हैं, स्पीकर ग्रिल भी था नीचे, ये यहाँ पे स्पीकर ग्रिल। और चलिए इसे अब हम बूट कर देते हैं चालू, इसे हम फटाफट अभी इंस्टॉल कर देते हैं सब कुछ। तो ये रहा Realme, देख सकते हैं आप पूरा सेटअप कर रहे हैं हम। तो लैंग्वेज डाल देते हैं, वाईफाई का पासवर्ड वो सब डाल देते हैं, और उसके बाद फिंगरप्रिंट का भी हम डाल देते हैं। यहाँ पे हम हमारा Gmail ID वो सब पर से बता कि क्या है कैसा है। तो अब हम अपना कोड के बाद, तो ये आप देख सकते हैं फिंगरप्रिंट हम डाल रहे हैं, बड़ा ही फास्ट फिंगरप्रिंट है ये। तो यहाँ पे इसके बाद एक फेस ID आएगा, फेस ID भी हम डाल देते हैं अपना। इसे हम मैं ज़रा साइड में कर देता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने सब सेटअप कर लिया है, और ये रहा इसका मेन्यू। तो ये कुछ तरह का मेन्यू है, ColorOS 6 चेंज हो चुका है अब वो है, और ये उसका नोटिफिकेशन बार भी है, नोटिफिकेशन बार भी बिल्कुल अलग हो चुका है ColorOS 6 के आने के बाद। तो अब आपको साइड में ये देखिए, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 वॉल्यूम रॉकर बटन है, पावर डाउन पावर अप के लिए। और यहाँ पे ये रहा 13+2 MP का कैमरा, ड्यू ड्रॉप का है, फ्रंट स्क्रीन 98.3 रेशियो का स्क्रीन है। तो अब हमको बता देते हैं कि इसका जो सिम ट्रे है वो कैसा है, इसमें ड्यूल सिम और माइक्रो SD लगता है कि सिर्फ सिंगल सिम और या तो मेमोरी या तो SD कार्ड लग सकता है। तो यहाँ पे आप देखते हैं तीनों स्लॉट दिया स्लॉट है, जिसमें 2 नैनो और एक माइक्रो SD कार्ड लग सकता है। तो आपके लिए बहुत ही अच्छा ये चीज़ है। तो अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, और आप ये मोबाइल भी खरीद सकते हैं, हमने नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है। थैंक यू।